वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर वाटर। तो आज इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है, आज हम वाटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, फॉर प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज ड्यू टू वाटर। अगर हम देखेंगे अगर आज जमीन के ऊपर अगर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट है तो वो किसकी वजह से है, वाटर की वजह से है। तो वाटर जो है इट इज़ द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ लाइफ, ये एक जरूरी कॉन्स्टेंट है इसका लाइफ है लाइफ का। ठीक है, तो लेकिन वाटर जो है ये जो जितना जो हमारा जो है अर्थ जो है ये जो है 3/4 जो है अर्थ जो है कवर्ड बाय वाटर है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे वाटर जो है ये डे बाय डे जो है डिप्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी मेन जो है डिप्लीटिंग की जो वजह जो है ये क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जिस तरह से 22 मार्च एवरी ईयर जो क्या किया जाता है एज ए वर्ल्ड वाटर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों में जो है अवेयरनेस लाई जाती है किसके लिए, अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर जो है ये एक एसेंशियल कंस्टेंट है लाइफ का, विदाउट वाटर जो है लाइफ जो है वो एग्जिस्ट इस जमीन के ऊपर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 22 मार्च एवरी ईयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, किसके लिए, ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस आ जाए, किसकी, वाटर की जो है इंपॉर्टेंस की अवेयरनेस आ जाए कि वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, और लोग क्या करेंगे इसकी कंजर्वेशन जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वाटर जो अवेलेबल है वो ओनली 3% है। ठीक है, इसमें जो एसेसिबल है वो खाली 1% है, और जो 97% जो वाटर जो है वो जो अवेलेबल है लेकिन वो स्लैन वाटर है, वो सॉल्टी है, वो हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, ना उससे कोई जो है हम क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो 2003 जो है वाज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फ्रेश वाटर। ठीक है, यानी कि 2003 को क्या किया जो गया बुलाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर जो है डिक्लेयर किया गया। ठीक है, और इस साल जो है ये इसलिए इसको डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर, ठीक है, फ्रेश वाटर डे, ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस जो है क्रिएट की जाए। ठीक है, कि लोग जो है वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में जान सकें, क्योंकि एक ऐसा जो है एसेंशियल रिसोर्स है। ठीक है, जिसके बगैर जो है जिंदगी जो है इस अर्थ के ऊपर जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो डिप्लीटिंग हो रहा है, ठीक है, फास्ट रेट पे, तो इसकी कंजर्वेशन जो है जरूरी है। अगर वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा पीने के लिए तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि हाउ मच वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर वाटर जो है कितना अवेलेबल है, तो अगर हम देखेंगे 71% ऑफ द वाटर इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, यानी कि अगर 71% अगर हम अर्थ देखेंगे तो ये किससे कवर्ड है, वाटर से। ठीक है, इसीलिए इस जमीन को जो है ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जब ऊपर जो है दूसरे स्पेस से हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है जमीन के ऊपर जो है 71% जो है वाटर जो है वो फैला हुआ है, तो इसकी वजह से ये प्लैनेट जो है हमें ब्लू दिखता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और सारा जो वाटर जो है ये हमारे लिए जो है वो कंज्यूम के लायक नहीं है, सारे जो जितना जो 71% वाटर जो है कवर्ड है, लेकिन ये सारा हम जो है कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज लैंड वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द ओशंस, एंड यानी कि जो ओशन में जो वाटर प्रेजेंट है 97% ये जो है इसमें नमकीला है, तो ये हम जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी जो 3% ऑफ द रिमेनिंग वाटर जो है अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द आइस कैप ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, जो 3% जो वाटर जो है जो फ्रेश वाटर है ये किसमें मौजूद है, ये आइस कैप में है, आइसबर्ग वगैरह, ठीक है, ग्लेशियर्स में एंड अंडरग्राउंड वाटर में अवेलेबल है। ठीक है, तो इवन जस्ट ओनली 1% इज इजिली एसेसेबल, लेकिन इस 3% में से हमारे पास जो इजिली एसेसेबल है, जिसको हम इजिली जो अवेलेबल हमारे पास है वो ओनली 1% है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना जो है 71% जो वाटर जो है अर्थ जो है कवर्ड विद वाटर है, लेकिन इसमें जो है ओनली 1% जो है वो अवेलेबल है। तो खुद ही हम जो है इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना जो है हमारा जो ये रिसोर्स जो है इसकी कंजर्वेशन कितनी ज़रूरी है।
अब जो वाटर की जो है फॉर्म्स होती हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर जो है मेनली जो है थ्री फॉर्म्स में हमें मिलता है, एक है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और थर्ड है गैस स्टेट में, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म एज आइस एंड स्नो ऑन द अर्थ, यानी कि सॉलिड फॉर्म में वाटर हमारे पास कौन सा अवेलेबल है, जैसे सॉलिड फॉर्म में जैसे आइस कैप, ठीक है, स्नो वगैरह जो कवर्ड्स माउंटेन्स जो है कवर्ड रहते हैं स्नो से, तो इसको सॉलिड स्टेट कहते हैं, ये हमें सॉलिड स्टेट में जो है अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा लिक्विड है, वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट इन द रिवर लैक्स ओशंस में जो हम, और अंडरग्राउंड वाटर जो है जो हमारे पास मौजूद है जैसे रिवर्स में है लैक्स में है, तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी, यह है लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और थर्ड वन इज गैसेस स्टेट, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट एज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स जो हैं, जो जिसको हम आबी बुखारात कहते हैं, ठीक है, तो जब ये टेम्परेचर की वजह से जो एवेपरेट होते हैं, वाटर जो एवेपरेट होता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में, और इसको हम कौन सी जो है वाटर फॉर्म कहते हैं, गैसेस स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, तो नेक्स्ट जो है हम इसकी जो है फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।